खबर सागर से है, जहां आरक्षक भूपेंद्र सिंह ने घटनाक्रम की रात की कहानी बताते हुए कहा कि बदमाश के हाथ में देसी पिस्टल देखकर कुछ समझ नहीं आया और ना ही मैंने कुछ सोचा। मुझे बस उसे पकड़ना था, इसलिए उससे भिड़ गया। गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ जख्मी हाथ से उसकी पिस्टल छीन ली। यदि मैं उस समय जरा भी डर जाता या सोचने लगता तो हो सकता था कि वह मुझ पर दूसरा फायर कर देता और फिर कुछ भी हो सकता था। इसलिए बगैर कुछ सोचे उसे धर दबोचा। आरक्षक भूपेंद्र सिंह यादव को परम विशिष्ट श्रेणी में एक रुस्तमजी पुरस्कार मिलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। आरक्षक की पत्नी आरती यादव ने कहा, घटना के दिन इनको गोली लगी तो परिवार के सभी लोग डर और घबरा गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी इस वीरता के लिए पुलिस विभाग ने सबसे बड़ा पुरस्कार दिया है, जिससे हम गौरवान्वित हैं। उनका काम देशभक्त जनसेवा है, जो वो करते रहे। आरक्षक भूपेंद्र ने बताया कि पुलिस विभाग में आने वाले हर शख्स का सपना होता है कि उसे KF रुस्तमजी पुरस्कार मिले। मैंने भी पुलिस विभाग में आने के बाद इस पुरस्कार का नाम सुना था। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा पुरस्कार मुझे भी मिलेगा, लेकिन अपनी ड्यूटी मेहनत लगन और ईमानदारी से की, जिस कारण मुझे यह पुरस्कार मिल गया। कोरोना काल में पुरस्कार की घोषणा हुई थी, लेकिन उस समय सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्मान नहीं हो पाया था। पुलिस मुख्यालय में बुलाकर पुरस्कृत किया गया था। अब मुख्यालय ने पुरस्कार में मिली रिवॉल्वर लेने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे लेने के लिए गन लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। 2-3 अप्रैल 2016 की घटना है कि मैं और मेरा साथी आरक्षक प्रेम नारायण वर्मा, हम दोनों की गोपालगंज थाने से मनोरमा कॉलोनी में गश्त लगी थी। तो दौरान गश्त के भ्रमण के एक महिला के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो जब हम लोगों ने जाकर के वहाँ देखा तो दो लड़के BM दुबे जी हैं, उनके मकान के यहाँ से बाउंड्री फांद करके बाहर निकले और वो भागने लगे। तो मैंने उनको ललकारा और मैंने और मेरे साथी ने उनका पीछा किया। तो मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद आधा किलोमीटर आगे दौड़ करके राजेंद्र दुबे का खेत है उसके पास में उसके एक साथी को पकड़ लिया और उससे मेरी भिड़ंत हो गई। और भिड़ंत के दौरान ही उसने अपने पास में रखी हुई देसी पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर तान दी और मेरे ऊपर फायर कर दिया, जो मेरे दाहिने हाथ की उंगली के पास में हथेली में लगा था। और इसके बाद मैंने उसकी तुरंत ही पिस्टल अपने हाथ से पकड़ के और गुत्थम गुत्था लड़ाई में उससे पिस्टल छीन करके उसको काबू में किया। देखिए, जब उस टाइम पर इनको गोली लगी थी तब तो हम लोग उनके परिवार में हम लोग को बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब जब हमारे पति को ये अवार्ड मिला है तो हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये इनका काम है देशभक्ति जनसेवा, तो ये करें।